अल्लाह रखा सिद्दकी उर्फ अल्लाह मियां। अल्लाह मियां हो तो मस्जिद में रहो, मंदिर में क्या करने जाते हो बे? मंदिर के गर्भगृह का काम मुसलमान से करवा रहे हैं। बताइए, ये साफ सम्मत है। आप अपनी थाली में आए अन्न को भी जांच कर खाते होंगे, किसे हिंदू ने उगाया है या मुसलमान ने? काशी के अधिकतर मंदिरों में इसी के पुरखों ने काम किया है, इससे अच्छा कारीगर दुर्लभ है। अब तो हिंदुओं के मोहल्ले में जाने से डर लगता है, लेकिन तुम्हारा जिगरा बहुत बड़ा है। साथियों, इस देश में सबसे पहला हक हमारा है। यहाँ पे कोई बाहर से नहीं आ सकता। ये लड़ाई नहीं है, कर्मयुद्ध है, कर्मयुद्ध। ये अच्छा इंसाफ है उनका। उनके देवी देवता सजाओ बनाओ, फिर उन्हीं के जूते खाओ। तुम्हारे पिताजी मंदिरों में विधर्मियों से काम करवाते हैं और हम वहाँ जाके सिर टेकते हैं। ए मुसलमानों, खुद को जानो, अपने मजहब को पहचानो। राजनीति कर्म से नहीं, धर्म से की जाती है। प्रत्येक मानव को ईश्वर ने बनाया है, जब वो भेदभाव नहीं करता तो हमें अधिकार है। बयान दिया इसने, सब किया धराया इसी का है। शपथ लो अपनी कला की, शपथ लो अपने पुत्र की, कि तुमने इस पवित्र मंदिर की गरिमा को नष्ट करने का प्रयास किया है। किसका घर है? भगवान का। भगवान कौन है? अल्लाह मियां के भाई। All right, guys, we are on the sidelines of India International Film Festival of Boston, and I'm so excited. The director of Nakkash, which was premiered at this festival yesterday night, is sitting next to me. Amazing, amazing movie, and I'm not saying because the director is sitting next to me, because the sensibilities of that movies are pretty much aligned with the mission of Nishkam TV, and we would like to know more about the film process, why he picked this topic, and meet Zaighaam Imam. He's the director to watch out because his sensibilities is great. Zaighaam bhai, swagat hai aapka. Thank you so much. Sat Sri Akal to all. Thank you so much for being me here. So jo movie making media hai, it's always, they teach you even at film school or koi bhi kitab padhte ho. शो डोंट टेल। तो कल मैं मूवी देख रहा था, पहले 5 मिनट देयर वाज नॉट अ सिंगल डायलॉग, एवरीथिंग वाज विजुअल और इट वाज वेरी इंट्रीगिंग। मेरे को पहले 5 मिनट में ही आई वाज इन द मूवी, लाइक क्या चल रहा है, बिकॉज यू नो दैट ही वाज चेंजिंग हिज क्लोथ्स एंड देन गोइंग समवेयर। सो टॉक टू, बिकॉज दिस चैनल इज फॉर किड्स, फॉर आवर यूथ हु इज लर्निंग फिल्म मेकिंग, सो टेल अस समथिंग अबाउट अ फिल्म मेकिंग प्रोसेस। पहले तो अपनी बैकग्राउंड बताइए, हाउ डू यू लर्न दिस क्राफ्ट टू सो मच प्रिसीजन? I was a journalist. I have around yes. I was a journalist. I was around 10 years in the media field. I work for Aaj Tak News Channel. Filmmaking is a big process. It is like human life. It brings a lot to you. That's why it is also a very responsible process. जहाँ तक आपने बच्चों का लिए कहा कि ये बच्चों के लिए है, उनको मैं बताऊं अगर कि फिल्म मेकिंग कैसे है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ऑब्जर्वेशन। आपने भी एक अच्छी बात कही कि मैं 5 मिनट तक फिल्म के अंदर विजुअल के ज़रिए, मैं ये मेरी कोशिश एज ए डायरेक्टर, ये मेरा प्री प्लान था पूरी तरीके से कि मैं 5 मिनट के उस विजुअल के ज़रिए एक स्टोरी कहूँ जिसमें मैं लोगों को ले कर आऊँ कि व्हाट इज़ माय प्रीमाइस, व्हाट इज़ माय स्टोरी, प्लीज़ कम एंड वॉच द फिल्म। सबसे बड़ी बात यह है सिनेमा के लिए, जो बच्चे हैं, जो लर्नर हैं, जो सीखना चाहते हैं, प्लीज़ ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स। यस, आप विजुअल को समझने की कोशिश कीजिए कि किस बात को कैसे कहा जा सकता है। सिनेमा इज अ विजुअल मीडियम, ऑडियो इज सेकेंडरी, फर्स्ट इज विजुअल, सबसे बड़ी बात यह है। वरना ऑडियो का तो रेडियो भी बजा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बट यू हैव टू स्ट्रॉन्ग सेंसिबिलिटी ऑफ विजुअल्स।
तो कैसे आप विजुअल, अगर मैं अपनी कहानी को, जो एक नक्काश एक बनारस के घाट से कहानी शुरू होती है, उस कहानी में खूबसूरत तरीके से गंगा के घाट पे अर्ली मॉर्निंग में एक आदमी बाहर निकलता है और सडनली यू रियलाइजेस कि ओ ये एक मंदिर के अंदर से निकला हुआ बंदा है, लेकिन ओ ये तो हिंदू नहीं है, ओ ये कौन है, तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द फिल्म मेकिंग. तो सिनेमा इज अ वेरी टफ प्रोसेस, सिनेमा इज अ वेरी इजी प्रोसेस, लेकिन आपने कितनी जानकारी इकट्ठा की है ये भी बहुत ज़रूरी है. उसके लिए ज़रूरी कि आप सेंसिबल फिल्में देखें. बहुत सारे इंडिया के जो बड़े डायरेक्टर्स हैं, हमारे दुनिया के बड़े डायरेक्टर्स हैं, उनका सिनेमा देखें. प्लीज़ 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 ये भी ध्यान रखें कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है. लिटरेचर पढ़ें, उनको समझें, उनको जानें. पंजाबी फिल्मों का भी बड़ा रिच कल्चर रहा है, बहुत अच्छी स्टोरियाँ बनी हैं, बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं जो दुनिया भर में गई हैं, तमस से लेके अलग अलग जो कहानियाँ बनी हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है लर्नर को. सिनेमा इज़ अ लॉन्ग मेकिंग प्रोसेस, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. तो आप रातों रात स्टार नहीं बन सकते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. जैसे इंडिया से बहुत सारे लोगों ने यहाँ आके मेहनत की, नाम कमाया, सब चीज़ें. सिनेमा भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आपको उतरना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको विजुअल की ज़्यादा सेंसिबिलिटी करनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा. आज की डेट में बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हर किसी के पास स्मार्टफोन है, सारी चीज़ें हैं. तो आप एक जो थॉट सोचते हैं वो छोटी छोटी कहानियों को आप एक बार शूट करके देख सकते हैं. इट्स अ फ्री नो कॉस्ट. तो आप एक करके देख सकते हैं आपकी अच्छा क्या हो सकता है. मैं गुरुद्वारे की किसी कहानी पे, मैं लंगर पे कोई फिल्म बना सकता हूँ. मैं जिस तरह से लोग गुरुद्वारे में काम करते हैं, सेवा करते हैं, उस सेवा के ऊपर कुछ कहानी हो सकती है क्या. तो आप प्रैक्टिकल, आपके आसपास है, आप कितना सीखना चाहते हैं. अपना स्मार्टफोन उठाइए, शूट करिए, उस कहानी को समझिए, देखिए और उसको एनालाइज करिए. तो ये एक प्रोसेस है सिनेमा का, जो पढ़ाई से आता है, जो विजुअल मीडियम को समझने से आता है. तो ये सारी बातें हैं जो समझनी पड़ेगी कि प्लीज़ पढ़िए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए. या एंड आई वांटेड टू टेल किड्स, सो नाउ दिस इज कमिंग फ्रॉम ए वेरी वेल नोन डायरेक्टर ज़ैगम इमाम. गाइज, किड्स, रीड, वॉच गुड फिल्म्स. एंड मेक पिक अप योर कैमरा एंड मेक ए स्टोरी व्हेन यू गो टू गुरुद्वारा. मेक ए स्टोरी ऑन लंगर, मेक ए स्टोरी ऑन सेवा. सो लिसन टू हिम, ग्रेट. और एक चीज़ जो मेरे को मूवी में कल, जो मूवीज़ आर पर्सनल टू यू, कई मूवीज़ आपको हिट करती हैं. समटाइम्स यू लाइक मूवीज़ बट कुछ मूवीज़ हिट करती हैं. कोई कल का, आई डोंट वॉन्ट टू गिव द प्रेमिस ऑफ द फिल्म बिकॉज आई वॉन्ट पीपल टू गो वॉच फिल्म. तो जो ट्रेलर से मालूम होता लोगों को भी, सो द फिल्म इज़ अबाउट ए क्लैश बिटवीन टू कल्चर्स टू. और वही हम कल बात भी कर रहे थे, जैसे एंड आई फील वेरी प्राउड अबाउट दैट, जो सिखों के पांचवें गुरु थे, गुरु अर्जन देव जी. तो जब बारी आई भी हरमंदिर साहब, गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर का हमें फाउंडेशन रखना है, तो उन्होंने कहा मियाँ मीर को बुलाइए, वो फाउंडेशन स्टोर रखेंगे. तो शेयर सम थॉट्स, आपने कल भी हमसे थॉट शेयर किए, अब उससे बात कीजिए. यस यस यस, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग. कल जब हम वीलॉग थिएटर में बात कर रहे थे आफ्टर द Q&A, तो सवाल आया और सवाल के जवाब में आपने जो बात कही, दिस इज द मैसेज ऑफ नक्काश. एवरीबडी शुड नो द ट्रूथ बिहाइंड द ट्रूथ बिहाइंड द कल्चर. प्लीज आप सिर्फ इसलिए मत हेट करिए किसी को कि उसका मजहब क्या है, उसका धर्म क्या है. ह्यूमैनिटी से बड़ा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में. सबने यही कहा. गुरु नानक देव भी बहुत बड़े वकालत करते थे इस बात को लेके कि प्लीज बी ह्यूमन. अपनी ह्यूमैनिटी नहीं छोड़ सकते आप. अगर आप ह्यूमैनिटी छोड़ देंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे. तो आपने कल जिस तरह से नक्काश में, मैंने कहा कि एक कम्युनिटी का बंदा दूसरी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है, और उसमें आपने जिस तरह से एडिशन किया, ये मतलब इट्स लाइक आई ओपनर फॉर मी. इसलिए क्योंकि आप इतनी खूबसूरत बात है, एवरीबडी शुड नो कि एक्चुअल में क्या है, कि किस तरह से कनेक्शन, जो इंडिया के बारे में अगर बात करें, वर्ल्ड के अगर बारे में बात करें, कैसे हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये उस बात का सबूत है. वो तो इतने बड़े देव थे गुरु नानक देव जी और सारे लोग इनके, जो अगर उन्होंने कुछ सोच के अगर एक मुस्लिम से अगर फाउंडेशन स्टोन रखवाया, तो इसके पीछे उनकी क्या लीला होगी आप समझ सकते हैं. इट्स अ क्लियर मैसेज. प्लीज डोंट हेट एनीबॉडी. इट्स अ क्लियर मैसेज.
क्योंकि वो तो उनका दर्जा भगवान के जैसा है, वो सब जानते थे। अगर उनके मन में कोई बात होती तो वो तो आगे भविष्य भी जानते थे कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। वो क्यों कहते हैं आज जिस तरह से वीलॉग थिएटर में इतने सारे लोगों के सामने ये बात आपने कही पूरी ईमानदारी के साथ, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ये असली संदेश है जो हमको पहुंचाना चाहिए कि हाँ आप सच जानिए, डोंट हेट एनीबडी उसके मजहब से, उसके धर्म से। प्लीज आप जानिए अपने मजहब को, आप समझिए कि अगर किसी मुस्लिम को इतना बड़ा मौका दिया गया है फाउंडेशन स्टोन रखने का, तो ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में। तो ये सारी बातें जो हैं वो निकल के आनी चाहिए, और नक्काश इसी तरह की बात कहती है और उसको आपने अपने जरिए आगे बढ़ाया। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों के लिए ये चैनल है और बहुत ज़रूरी है। किड्स शुड नो द हिस्ट्री द ट्रूथ, ये बहुत अच्छी बात है। और लास्ट क्वेश्चन आपसे, बिकॉज वी टीच किड्स फिल्म मेकिंग ऑल्सो, तो एक क्वेश्चन हमारे सामने बहुत बच्चों को सीखना है और समटाइम्स द स्ट्रगल, मैं भी स्ट्रगल करता हूँ, हाउ टू डायरेक्ट एक्टर्स। आपकी मूवी में इनामुल हक जी हैं, ग्रेट एक्टर, मैं उनका बड़ा फैन हूँ एयरलिफ्ट मूवी के बाद से। सो हाउ वॉज डायरेक्टिंग इनामुल, उनका क्या प्रोसेस था, हाउ डू यू रियली कोलैबोरेटेड विद हिम? इसके पहले मिस्टर इनामुल हक के बारे में बताने से पहले, मैं आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि हाउ टू डायरेक्ट द एक्टर्स, हाउ टू डील विद द एक्टर्स। एक चीज़ सबको समझनी चाहिए कि एक्टर जो होता है वो आपकी कहानी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है पर्दे के ऊपर। अगर आपके अंदर आपने पूरी तैयारी कर रखी है उस किरदार के बारे में, तो आप बहुत अच्छे से उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग कि अगर आज मुझे शाम को वीलॉग थिएटर में फिल्म देखनी है तो मुझे वीलॉग का रास्ता पता होना चाहिए, वरना मैं भटकता रहूँगा। तो जब भी कोई एक्टर को आप जिस रोल के लिए बात करते हैं, आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए उसके बारे में। आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए कि अगर मुझे किसी को सेवादार बनाना है तो उसको पता होना चाहिए वो क्या पहनता है, उसके कपड़े कितने गंदे होते हैं, कितने साफ होते हैं, वो कब काम करता है, किस तरह का काम करता है। अगर किसी एक्टर को आप लेंगे तो आप जब उसको बताएंगे तो वो खुश हो जाएगा बहुत कि ओ कमाल है, इसको सब कुछ पता है। तो यू शुड नो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। इसको बोलते हैं प्रोसेस, इसको बोलते हैं तैयारी। आपकी तैयारी कितनी ज़्यादा है, जितनी अच्छी तैयारी आपकी होगी आप एक्टर को उतने अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए, तुम इधर से क्यों आ रहे हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, इससे कहानी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये आपकी तैयारी है। इनामुल हक के साथ सवाल आपने पूछा, ही इज़ अ वेरी इंटेंस एक्टर, बहुत ज़्यादा वो कहानी के अंदर घुस जाते हैं। तो एक छोटी सी बात से बताऊंगा उनको, वो एक 4 पेज का कैरेक्टर नोट लेके चलते हैं अपना। जब भी वो कैरेक्टर नोट पढ़ते हैं उसके बाद की ना कि मैं जिस रोल को कर रहा हूँ वो रोल कहाँ का है, अच्छा बनारस का है, इसके बाप कौन था, इसका दादा कौन था, ये कौन, वो उस कैरेक्टर के बारे में स्पेसिफिक। तो मुझे उनसे ज़्यादा तैयारी करके रखनी पड़ती थी हमेशा कि मेरे पास कोई ऐसा सवाल ना हो जिसका मेरे पास जवाब ना हो। तो दिस इज़ द वेरी ईजी प्रोसेस, बहुत आसान तरीका है एक्टर्स को हैंडल करने का कि प्लीज़ अपने आप को आप तैयार करें। आप उसने आपको डायरेक्टर को बहुत डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ शिप, हमेशा हर जगह होता है। तो आपको उस तरीके से उसको बताना चाहिए कि वो सारी चीज़ें समझ जाए, उसको लगे कि नहीं यार ये डायरेक्टर फ्लॉलेस है, इसको सब कुछ पता है कि मेरा कपड़ा कैसा होगा, मेरी आवाज़ कैसी होगी, मेरा मेकअप कैसा होगा, मुझे कैसे एक्ट करना है, मुझे कैसे, आपको सीन को बता देना होगा उसको। एज ए डायरेक्टर हम कोई भी सीन करते हैं तो हम उसको एक्ट करके बताते हैं कि ऐसे एक्शन करो, ये करो, वो करो। तो आपकी तैयारी है, इट्स अबाउट प्रिपरेशन, कि आपकी जितनी अच्छी तैयारी होगी उतने अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। और प्लीज़ मैं निष्काम टीवी के ज़रिए ये बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अगर सिनेमा बनाना है, पैशन है, प्लीज़ आप इस तरह की छोटी छोटी फिल्में ज़रूर बनाएं। ये बिल्कुल आसान है, 2-3 घंटे में दोस्तों के साथ मिलके, और ये YouTube से लेके हर जगह आजकल दुनिया के नए नए चैनल्स खुले हुए हैं, तो आप वहाँ भी फीडबैक भी मिलेगा आपको और आप बहुत अच्छे फिल्म मेकर बन सकते हैं आने वाले समय में। बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया ज़ेगा भाई ने फॉर द किड्स, सो दे प्रेपरेशन प्रेपरेशन प्रेपरेशन। सो ज़ेगा भाई थैंक यू वेरी मच, एंड वी गोना बी वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट फिल्म, बिकॉज यू आर ए वेरी गुड फिल्म मेकर जो सिनेमा के नुआंसिस को समझते हो। थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ समय बिताया, थैंक यू वेरी मच।